का स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ वर्ष गौरी। आज सत्ता के संग्राम में बात करेंगे सुर्खी विधानसभा सीट की, जो बेहद ही हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जाती है, जो गोविंद सिंह राजपूत के पाला बदलने के बाद काफी सुर्खियों में है। ये पहला ऐसा मौका है जब इस सीट पर दोनों बड़ी पार्टियों से दल बदलू नेता सीधे मैदान में हैं। कांग्रेस ने यहां बीजेपी से नाराज होकर आई पारुल साहू को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो ऐसे में सुर्खी गोविंद सिंह राजपूत के लिए साख का सवाल बन गई है और यहां उन्हें जीत से कम कुछ भी नहीं चाहिए। लिहाजा आज बात सुर्खी की साख को लेकर। सुर्खी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जंग वाकई में बेहद ही दिलचस्प है। इस विधानसभा क्षेत्र में साल 2013 के बाद एक बार फिर से गोविंद सिंह राजपूत और पारुल साहू के बीच यहां पे मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन इस मरतबा दोनों ने पार्टियां बदल ली हैं, या यूं कहें दल बदल लिए हैं, चेहरे वही हैं। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बने गोविंद सिंह राजपूत इस मरतबा भारतीय जनता पार्टी से टिकट पर मैदान में है, तो वहीं पारुल साहू कांग्रेस से अपनी सियासी किस्मत को एक बार फिर से आजमा रहे हैं। पिछले 5 चुनावों को अगर देख लें तो सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत की स्थिति बेहद मजबूत रही है, लेकिन इस मरतबा दल बदली और परिस्थितियों में समीकरण भी बदले हैं। चलिए सुर्खी की साख पर विस्तार से बात होगी, उससे पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। सुर्खी में किसे मिलेगी सफलता? बीजेपी के गोविंद सिंह राजपूत जीतकर फिर बनेंगे मंत्री, या कांग्रेस की पारुल साहू भरेंगी जीत की हुंका? उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सुर्खी में होने वाले उपचुनाव का रोमांच अपने चरम पर पहुंच रहा है। यहां गोविंद सिंह राजपूत को अपने साथ ही महाराज की साख बचाने के लिए जीत से कम कुछ नहीं चाहिए। ऐसे में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी ओर पारुल साहू की कामयाबी के लिए कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में सुर्खी सीट का संग्राम दिलचस्प होता नजर आ रहा है। इस सीट के सियासी इतिहास को देखें तो यहां गोविंद सिंह राजपूत को 3 बार सफलता मिली है, हालांकि तब वो कांग्रेस का चेहरा थे। 2003 में गोविंद सिंह राजपूत ने बीजेपी के भूपेंद्र सिंह को 13,800 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था, जबकि 2008 में गोविंद सिंह राजपूत ने बीजेपी के राजेंद्र सिंह को 12,400 के करीब वोटों से हराया। हालांकि 2013 में कांग्रेस के गोविंद राजपूत को बीजेपी प्रत्याशी पारुल साहू से हार का सामना करना पड़ा। दोनों प्रत्याशियों के बीच हार जीत का अंतर महज 140 मतों का था। वहीं 2018 के रण में कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ते हुए गोविंद सिंह राजपूत ने बीजेपी के सुधीर यादव को 21,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से मात दी थी। लगभग 2 लाख मतदाताओं वाली सीट के जातीय समीकरण को देखें तो यहां अनुसूचित जाति के मतदाता बड़ी संख्या में हैं। साथ ही राजपूत, दांगी, पटेल और कुम्मी वोटर भी निर्णायक होते हैं। हालांकि ये और बात है कि पिछले कुछ चुनाव में जातिगत समीकरणों का उतना ज्यादा असर नहीं रहा जितना कि प्रत्याशियों का बाहुबली और धनपति होना मायने रखता है। इस विधानसभा क्षेत्र की बड़ी समस्याओं पर नजर डालें तो जैसी नगर बिलहरा में पानी की समस्या है। जैसी नगर को नगर पंचायत बनाने के साथ ही सुर्खी और बिलहरा में महाविद्यालय की मांग पूरी नहीं हुई है। उद्योगों का अभाव होने पर रोजगार के पर्याप्त साधन नहीं है। कृषि के लिए संसाधनों की कमी है। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में कोई खास सुधार नहीं हुआ। अब ऐसे में सुर्खी का संग्राम कौन जीतेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। लिए बेहद ही खास पैनल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गया है। आइए तारुफ आपका करवा देते। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी, मिश्रा जी बहुत स्वागत है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता प्रवीण नापे जी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी बहुत स्वागत है आपका। प्रवीण जी सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करूंगी कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में पारुल साहू का जब 2016 में अपमान किया गया गोविंद सिंह राजपूत के जरिए, उसके बाद पूरी की पूरी पार्टी एकजुट हो जाती है, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पहुंच जाती है, फिर इम्पोर्ट कर लिया जाता है
गोविंद सिंह राजपूत को, उसके बाद सारे समीकरण बदल जाते हैं, पावल साहू को साइडलाइन कर दिया जाता है, नाराज होकर वो कांग्रेस के खेमे में चली गई। अब आपकी प्रतिद्वंदी, आपने कहा था कि नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में, फिर वही बात आज कह रहा हूँ, नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में, स्टार प्रचारक घर पे बैठ गए। प्रदेश के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने नारी का फिर अपमान किया, वो घर पे बैठ गए चुनाव आयोग में। तो भाजपा तो हमेशा नारी के सम्मान में रहती है। और आपने कहा कि टर्नआउट जो हुआ, टर्नआउट नहीं हुआ, कोई व्यक्ति अपने सम्मान के अंदर, जिसका मान सम्मान हो, कैबिनेट मंत्री हो, उसको वहां का कलेक्टर नहीं पूछे, उसको वहां का कमिश्नर नहीं पूछे, क्या करेगा आदमी, क्या करेगा? मुझे राजनीति करना है, राजनीति करने के साथ साथ वो जिन मैनिफेस्टो के साथ साथ कांग्रेस में गया था, जिन बातों को लेकर वो कांग्रेस में उसको जीत मिली थी, वो उसको वहां कोई पूछ नहीं रहा था, तो क्या करेगा आदमी? और एक ही आदमी नहीं गया, लगातार पूरे के पूरे का वो गए हैं, उसमें से वो भी आए, स्वागत है। उसके बाद तो वो देखिए, लगातार उसके बाद अप्रैल मई से लगातार वो काम कर रहे हैं, काम के साथ साथ उन्होंने लगातार 2000 करोड़ के करीब करीब विकास काम किए। फसल बीमा हमारी जो नहीं 2018-2019 में कमलनाथ जी ने कैंसिल कर दी थी, हमने उसका पैसा दिया 6000 करोड़ करीब करीब किसानों को, से 33 लाख किसान करीब लाभान्वित हुए। और रही बात पारुल साहू जी को कांग्रेस ने लिया, अच्छी बात है, मैं तब भी उनका सम्मान करता था, आज भी कर, पर पारुल जी के साथ कांग्रेस का संगठन जो होता है वो कहाँ खड़ा है, एक भी देख लीजिए, चाहे वो फॉर्म भरने गई हो या उसके बाद में अपने चुनाव प्रचार के अंदर भी कम से कम 100 लोग भी उनके साथ पूरे समय आज टिल डेट तक उनके साथ नहीं थे। तो कांग्रेस का जो जिला संगठन है, कांग्रेस का जो संभागीय संगठन है, किसी ने भी, क्योंकि उन्होंने भी सपने देखे थे कि अगर गोविंद सिंह जी चले गए इसके बाद हमको कांग्रेस से टिकट मिलेगी तो नहीं मिले, तो उनको मालूम है कि आगामी भविष्य भी हमारा क्या होगा जिताने के बाद। लेकिन यही दिक्कत तो आपकी पार्टी में, हमने स्वीकार, देखिए हमारे यहाँ ये दिक्कत तो आपकी पार्टी में, क्योंकि हमारे यहाँ की रश्के गौरी जी मैं आपकी बात का फिर उत्तर दे रहा हूँ, बहुत बहुत सम्मान के साथ उत्तर दूंगा मैं। हम चुनाव हारे थे, जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का मौका दिया था, सबने कहा था कि अभी इस्तीफा मत दो, शिवराज जी सुबह 8:30 बजे लास्ट जो आया था, 4, 4:30, 5 बजे के बीच में लास्ट अंतिम परिणाम आया था, 4 घंटे बाद शिवराज जी जाकर राज्यपाल जी का अपना इस्तीफा दे के आए थे, हम लोग तो बैठे थे। अब हमारे जो प्रत्याशी हार गए हैं और जो प्रत्याशी वहां जीत के आए हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं, अगर वही प्रत्याशी जीत जाते तो आज हम सरकार के सत्ता में होते। तो हमारे यहाँ तो पार्टी ने कह दिया कि ये तो फिर वो, उन्होंने कहा सुबह तो सुबह और पार्टी ने कहा शाम तो शाम, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं, पार्टी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को फोकस आपको ये है तो फिर हमारा यही है। उनने कहा कि ज्योतिराज सिंधिया जी, हमने कहा ज्योतिराज, उनने गोविंद सिंह राजपूत जी, उनका गोविंद सिंह राजपूत जी, तो फिर दोबारा इधर ना उधर की कहीं बात नहीं आती है। आज आप देख लीजिए, मैंने उस दिन भी कहा था, जयवान सिंह पविया जी से लेकर दीपक जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के डंडे और झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। जितेंद्र जी, ये डंडा और झंडा आपके यहाँ क्यों नहीं चलता है? अगर ये डंडा और झंडा चल गया होता तो शायद ये स्थिति आज मध्यप्रदेश में। सबसे पहली चीज तो रश्क, मैं आपको बताऊं कि ये तो सबको मालूम है कि झंडा और डंडा क्यों चला और कैसे चला और किसने चलाया। खरीद फरोख्त के आरोप जो हमने लगाए थे उसकी पुष्टि आप लोगों ने उनके चैनल पर दिखाई, उनकी वाइफ दिखाई, पूरे हमने 5 महीने में खाली हमने आरोप नहीं लगाए, आरोपों की पुष्टि भी हुई। आप आज तक भारतीय नहीं कर पाए, भारतीय नेताओं के प्रति अदालत में हम जा चुके हैं, अदालत के अंदर जा चुके हैं, मानहानि का हो गया है। आप राजनीतिक कार्यकर्ता, तो हमने अगर भ्रष्टाचार किया आपको अधिकार है हमको फांसी पे चढ़ाने का, आपको अधिकार है मीडिया के रोल के साथ, आज तक आपने नहीं बनाया, कहना है सरल है, आप उसको बता देते, आप उसको दिखा देते, मुझे बड़ी खुशी होती है। आप जैसा इतना अच्छा विवेकवान साहस तो रखिए, नहीं ध्यान से आपको, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं चाहूंगा आपको सुनूंगा, लेकिन झूठ बात आप, मैं चाहूंगा कि चुनाव की इत्मीनान से आपको सुना है। मेरा ये कहना है, जो खरीद फरोख्त के आरोप हमने लगाए थे उनकी पुष्टि हुई, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि अगर हाईकमान इशारा कर दे एक दिन दो दिन में सरकार गिरा देंगे। क्या मंसूबे थे जो आपको बेंगलोर में दिखे? इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मंच पर स्वीकार किया कि हमने कहा अदल सिंह वहां क्या कर रहे हो, यहां आओ मजे करा देंगे, ये सारी चीजें पुष्टि होती है हमारी बात की। एक चीज रहा सवाल, जो हुआ हो गया, उस दिन से जनता इस बात का बदला लेने के लिए तैयार थी कि हमारे साथ जो हमने जनबल का प्रयोग करके सरकार बैठा ली थी, भारतीय जनता पार्टी ने धनबल का प्रयोग करके सरकार गिरा दी। बात सुर्खी पे कही आए, क्योंकि सुर्खी आज का हमारा विषय है।
सुर्खी में जिस तरह का माहौल बना है, जिस तरीके से प्रत्याशी का विरोध हो रहा है, खाली सुर्खी की नहीं, सारी विधानसभाओं में आपने दिखाया, हमने देखा है, गोविंद सिंह राजपूत को क्यों रोना पड़ रहा है? अगर आपने विकास किया होता, अगर आपने उस क्षेत्र की जनता के साथ धोखा नहीं किया होता, आपके आपके चैनल पर मैंने वीडियो देखा, गोविंद सिंह जी रो रहे, खड़े होकर आंसू बहा के वोट मांग रहे, जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने जनता के बीच संवाद कायम रखा होता। लेकिन आपने कहीं ना कहीं गद्दार और बिकाऊ की बात स्वीकार करी, जिसकी वजह से आज आप सुर्खी में अपनी विश्वसनीयता हासिल नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज, आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार रश 15 सालों से सरकार में, आपका पहला दायित्व तो बनता था कि आपने 15 सालों में क्या काम किया जनता के बीच जाए और वोट मांगे, सीधा सा तरीका, जो विकास पे अगर चुनाव को केंद्रित रखना है तो ये होता है। अब आपने 15 सालों का हिसाब नहीं दिया, एक नया झुंझुना पकड़ा दिया इस जनता को। आप ये देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 करोड़ की योजना स्वीकृत करने की बात कर रहे हैं शिवराज सिंह जी चौहान और गोविंद सिंह राजपूत। इसका मतलब है कि अगर आपके यहाँ सुर्खी में आप शुद्ध पेयजल नहीं पिला पाए तो 15 साल आपकी सरकार में क्या किया आपने, 15 साल आपने जनता का शोषण किया। आप जैसी नगर को नगर पंचायत का झुंझुना पकड़ा रहा है क्या? जनता बेकूफ है, जनता समझती नहीं क्या? एक मिनट में गूगल में सारी चीजें पता चल जाती, 15 सालों का इतिहास आपके पास है नहीं, काश गूगल में ये भी पता चल जाता कि आपकी 15 महीने में ही सरकार जाने वाली है, तो शायद ये उपचुनाव नहीं होते। आज देखिए, आज आप जिस तरह का, आप 15 साल में जैसी नगर को नगर पंचायत नहीं बना पाए, आज आपको जब लगा चुनाव सब पे आ गया तो क्या करे, तो आप वो ही घोषणा है जो 15 सालों से लगातार सुन रहे थे आपने फिर पेश कर दी, राजगढ़ से जैसी नगर में स्टेडियम बनाएंगे। अरे एक एक खेल का मैदान तो आप दे नहीं पाए, अब झुंझुना स्टेडियम का बता रहे हैं। सिंचाई परियोजना 171 करोड़ का भूमि पूजन किया, जिस तरीके से शिवराज सिंह जी के लच्छेदार भाषण होते थे, सारी की सारी जो इनका घोषणा पत्र है, सारी की सारी वही चीजें फिर से। बिल्कुल सही कह रहे हैं जितेंद्र जी, लच्छेदार भाषण और झुंझुने, उस झुंझुने में तो प्रदेश का युवा भी आ गया, वो आज तक 4,000 का इंतजार कर रहा है। सुर्खी के कैंडिडेट्स क्या कह रहे हैं ये भी सुनते हैं कि बीजेपी में, सुर्खी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बेहद ही दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा है उपचुनाव को लेकर, यहाँ दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों का आखिर क्या कुछ कहना है, चलिए सुनते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे। सुर्खी क्षेत्र की जनता इस बात को समझ रही है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा का मैं प्रत्याशी हूं, तो लोगों को एक आशा और उम्मीद बनी है कि अब सुर्खी में विकास का पहिया दौड़ेगा। और इसका सबूत यह है कि जब से मैं भाजपा में आया तब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सुर्खी विधानसभा के लिए 500 करोड़ के काम न केवल स्वीकृत किए बल्कि अधिकांश काम के भूमि पूजन हो गए, काम चालू हो गए, बड़ी बड़ी योजनाएं। जनता का मुद्दा है विकास, जनता का मुद्दा है काम। मैंने इस क्षेत्र में 25 साल से काम किया है, व्यक्तिगत संबंध बनाए हैं और 25 साल पुराना हमारा हर परिवार से नाता है, हमारे पारिवारिक संबंध भी काम आ रहे हैं। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे काम जो सरकारों ने किए हैं, खास करके कोई दल बदल नहीं है, मैंने तो क्षेत्र की शान जनता के स्वाभिमान को दल बदला। अगर दल बदल में बहुत सारे कांग्रेस की पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिले, सुर्खी प्रत्याशी उन्होंने भाजपा से ले लिया, वो दल बदल नहीं है क्या? आप जाओ तो सावेर में भाजपा से कांग्रेस में आ गया, वो दल बदल नहीं है क्या? देखिए, आज सभी को पता है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ जिनके मत के साथ धोखा और छलावा हुआ है, तो जनता उससे नाराज भी है। और जनता का यही कहना है, जब एक बार मत कांग्रेस पार्टी की सरकार को दिया था और व्यक्ति को मंत्री बनाया और मध्य प्रदेश में सरकार बनी, तो उनकी बिना अनुमति के या सहमति के एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को यह अधिकार नहीं होता है। दूसरी बात, मैंने हमेशा अपने कार्यकाल में प्रयास किया कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र, जो कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, उसमें ज्यादा से ज्यादा विकास के कार्य हों। तो मैंने विकास कार्य किए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता जो है मेरे द्वारा जो काम कराए गए हैं उसको चुनेगी और सही और गलत के बीच में अंतर भी समझेगी। देखिए, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को अधिकार नहीं होता है कि वो स्वयं निर्णय ले, क्योंकि जनता चुन के भेजती है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी पूरी तरह गलत है। उनको अधिकार नहीं है, ये जनता के साथ धोखा है। और एक कार्यकर्ता
अगर मैं जनता के लिए आज खड़ी हुई हूँ, जनता की आवाज़ बन के खड़ी हुई हूँ और उनकी सहमति से खड़ी हुई हूँ, तो मैं जनता के लिए खड़ी हूँ, उसमें कहीं से भी ये बात नहीं आती क्योंकि मैं जनता की आवाज़ बन के खड़ी। ये अपनी अपनी सोच रहती है और आप सभी जानते हैं जो व्यक्ति जनता को धोखा दे सकता है वो फिर से सत्ता के लिए कुछ भी बात कर सकता है। यहाँ जी जो व्यक्ति जनता के लिए धोखा दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। लंबे वक्त से प्रतिनिधित्व यहाँ पे गोविंद सिंह राजपूत करते आ रहे हैं सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का, लेकिन समस्याओं की बात करें तो पानी की समस्या है, व्याप्त है स्कूल महाविद्यालय, खासतौर से डिग्री कॉलेज में आज भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको अप डाउन करना पड़ता है, उनको 60 किलोमीटर दूर सागर जाना पड़ता है, या जो लड़कियां हैं वो डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती हैं, या तो फिर बामुश्किल अगर सागर विश्वविद्यालय में अगर उनको एडमिशन मिल जाए तो वो सागर विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, तो उससे अफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पढ़ेंगे। लेकिन सुर्खी में ना कोचिंग सेंटर ढंग के, तमाम चीजें, तमाम अव्यवस्थाएं सर, ब्लॉक है और सबकी इच्छा होती है, जैसे आप सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, विदिशा, ये भोपाल के सराउंडिंग जिले हैं, तो आदमी यहाँ कपड़ा भी खरीदने आता है तो भोपाल आ जाता है न्यू मार्केट के, चलो हम राजधानी में करेंगे। तो सुर्खी के सराउंडिंग जो भी ब्लॉक है, कि डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी की सबकी तमन्ना होती है, चाहे रीवा के लोग थे, चाहे बुंदेलखंड के, चाहे इंदौर, बड़े बड़े लोग जाते थे डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय में, सब चाहते थे कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जाएं, उनके कैंपस के पढ़ें। और एक आप देखिए जब कोई बहुत बड़ा पेड़ होता है उसके नीचे छोटे पेड़ बहुत कम लगते हैं, तो ऐसा सबकी बहुत एक दिल की, मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय में, मेरे फादर वहाँ से पढ़ के निकले, मैं भी पढ़ के निकलूँ, पर चूंकि नहीं जा पाए किसी पारिवारिक कठिनाइयों के कारण, पर एक सबका होता है। तो 20 किलोमीटर 25 का सराउंडिंग उसी जिला है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी हमारा प्रयास रहेगा। इन 60 साल जो कांग्रेस की आज़ादी के बाद हमने 10 साल 15 साल हमने गड्ढे, बिजली, तमाम इन जिन चीज़ों के लिए, बाकी डकैत, तमाम सब चीज़ें जूझ कर हमने जो सपना, मैं स्वीकार करता हूँ कि नहीं है, मैं स्वीकार, देखिए गौरी मैम, मैं इधर उधर की बात, मैं इधर उधर की बात नहीं करता। हमने कहा कि अगर हमको महाविद्यालय, जैसे बड़ा मलेरा विधानसभा में हमने पिछले बार कहा था, हमने कर दिया था, और इस बार अगर लगता है घोषणा पत्र में है तो हम करके बताएंगे, और हमने जो जो कहा है लगभग 90% हम कहते हैं। और मैं आपको फिर चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी होगा तो मैं ऐसी स्थिति में हूंगा, मैं ये सुर्खी में नहीं, सुन तो लीजिए, मैं मेरी जो घोषणा है, पार्टी का चेहरा हूँ ना मैं, प्रवक्ता हूँ मैं, तब मेरी कोशिश होगी कि जब भी आगे 1 साल 1.5 साल जब भी आप बुलाएंगे इस विषय पर बात करेंगे, सुर्खी में महाविद्यालय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोग के पास जितेंद्र जी क्या रोड मैप है, क्योंकि हालांकि दिगर हाल ये है कि अब वो बीजेपी में है लेकिन थे तो आपकी ही पार्टी में, लंबे वक्त तक प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे पर्सनली कमेंट नहीं करना चाहिए लेकिन लग नहीं रहा है कि यहाँ पे किसका सबसे ज्यादा विकास हो गया है। नहीं देखिए, सबसे पहली चीज, 15 साल भारतीय जनता पार्टी में सरकार में थी, उससे सवाल बनता है कि नहीं बनता, रश्मि जी आप बताइए। अब अगर इस तरह का एक विद्वान प्रवक्ता मेरे मित्र ये कहते हैं कि वटवृक्ष के नीचे छोटे शहर पनप नहीं पाते, या होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा और सीहोर जैसी लोगों में विकास नहीं होना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी ने किया था क्या परिणाम है आप बताइए। जेसी नगर में, सुर्खी में, बलबिलौरा में, 50 जगह में इनका देख रहा हूँ, गनोरा में, रदगुआ में, देवरी में, शासकीय महाविद्यालय का कितना बड़ा अभाव है। लाडली लक्ष्मी की बात करते हो, बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, और सागर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, ये तो आपने देता आप आपके नेता जी कांग्रेस की योजना थी 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल और 15 किलोमीटर जिम्मेदारी महाविद्यालय खोल 12 बजे, लेकिन चूंकि कांग्रेस की योजना थी इसलिए उस योजना को बंद कर दिया। 5 बजे तीसरा एसडीएम पहुंच जाता है, तो आप महाविद्यालय की बात कर रहे हो, आप हमको बता रहे हैं कि हमारे जवाब है स्कूल करके देखिए, आप अपने घर जवाब में आ गए, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, क्या विकास किया 15 सालों में, और इसके बाद शर्म नहीं आती आपको, नहीं होता विकास
घोषणा पत्र फिर लेके आ गए नगर में कॉलेज खोलेंगे, लेकिन बड़ा खोलेंगे, सिंचाई की योजना लाएंगे। 15 साल तक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बताता है, अभी तो 0% बात कर लापी और सभी लोग की बात कांग्रेसियों ने लापी रुपए की भी बना दिया लाभ, 15 रुपए की भी बना दिया। कितना झूठ बनाओगे अब आप चुनाव के समय आपने नई बोतल को पुरानी शराब भर के फिर पेश कर दिया। आप आपके पास में था, आप बात बताते 15 सालों में हमने ये किया, आप एक नया झुंझुना लेके आ गए। कांग्रेस सवाल बात कर रही है, सवाल बात का है कौन है वो आज जनता समझदार हो रही है, समझदार समझ रही है कांग्रेस की तरह के आप नापे जी वो फूल छाप कांग्रेसियों को तो आप लोग ले गए ना, नहीं फूल छाप कांग्रेसियों को आप लोग ले गए, इसीलिए वो कहते जनता की राय देख लेते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ वो पुल जब ये जो कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की तारीफ करते हैं वो लोग कांग्रेसी है, कन्या विवाह कांग्रेस मध्यम जीरो। अब अपन ये सोच रहे थे कि कहीं पे एक आध फैक्ट्री गिर जाए, जैसे अपना जैसी नगर है सीहोरा है लंगा लंगा बलेरा है, जो भी रोजगार लड़का फिर रहे हैं तो उनकी नौकरी लग जाए कछु। मतलब शिक्षा की व्यवस्था तो फिलहाल ठीक है लेकिन रोजगार की व्यवस्था सबसे खराब है, रोजगार है ही नहीं है सर। शिक्षा के विभाग में तो वैसा कुछ नहीं हुआ, आज भी हम लोग सागर मानी कॉलेज है जो या और अन्य समाज जो भी कुछ वर्ग है तो सागर ही जाना पड़ता है हमें। जाति समीकरण शुरू से अब जब से सुर्खी विधानसभा का गठन हुआ है जब से जाति समीकरण यहाँ फिट बैठता नजर आता है, चाहे भूपेंद्र सिंह हो या विठल भाई पटेल हो या गोविंद राजपूत हो। सबसे बड़ी तो हमारे मोहल्ले में पानी की समस्या है, सबसे ज्यादा 2 रुपया डब्बा पानी अभी भी ले रहे हैं और समाव आ जाता है तो वो भी नहीं मिलता। बेरोजगारी का, दूसरा शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और जो जैसे नगर प्रॉपर की अगर बात की जाए तो पानी की समस्या विकराल ले लेती है गर्मी के मौसम में, यहाँ पे तो पेयजल की विकराल समस्या है, कोई रोजगार साधन कोई उपलब्ध नहीं है। सबसे पहली बात तो शिक्षा को लेकर कहते हैं, शिक्षा में जैसे ITI कॉलेज है या फिर अपने मतलब उच्च शिक्षा के लिए कोई साधन नहीं है, अगर साधन होता तो जो युवा वर्ग है वो यहाँ पे पढ़ाई कर सकता था। जी आप सुन रहे हैं कि किस तरह से तमाम अव्यवस्थाएं हैं, रोजगार नहीं है, पानी की दिक्कत है, अगर 2 रुपए प्रति डब्बा अगर लेना पड़ रहा है, अगर एक डब्बा भी 2 रुपए में ले रहे हैं तो 60 रुपए महीना हो जाता है, फिर 60 × आप कर दीजिए फिर तो नौबत क्यों सर, नौबत क्यों फिर सर क्यों नहीं पूछा जाए कि 15 साल का डेवलपमेंट क्या, 15 साल के विकास का खाका आखिर क्या था और किस आधार पर आप लोग चुनाव में जा रहे हैं। नहीं देखिए इसमें से 2 लोगों ने कहा तो 2 लोगों ने 3 लोगों ने हमारे बारे में अच्छा भी कहा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा कृषि ऋण माफ नहीं हुआ, तब आपने कहा कि इस विषय पर मत बोलना। नहीं नहीं ऐसा नहीं, देख कहा ना, अब आपने एक के पास गए एक, अगर आप 10 के पास जाते तो 10 बताते हैं, वो पूछना तो आपके ऊपर, मैं तो वहां था नहीं और आपकी ईमानदारी पे मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि नल जल योजना के अंदर लगभग हमने सारे काम लगभग प्रदेश के 80% किए हैं, जो रह गए हैं तो विकास की गंगा बहना भी कोई बाकी या कोई कोर कसर हमने नहीं रह गई थी। ठीक है हम 4, 5, 6 विधायक से कम रह गए थे 2018 के चुनाव में, हम सरकार में नहीं आए, पर हमने तो आपने देखा था उस समय भी बिजली पानी के लिए हमने कितना संघर्ष किया था, लगातार शिवराज जी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की थी और जब ये लोगों को बिजली के बिल कहते थे हमने 100 रुपये कर दिए, पर बिजली कहाँ थी, नाचना है आंगन टेढ़ा, आपने 100 रुपये तो कर दिए बिजली नहीं दी, उसके लिए हमने प्रदर्शन भी किया था, लोकसभा चुनाव हारे थे, ये इनकी विफलताओं के कारण लोकसभा हारे थे और समय हमने हराया था। केपी सिंह यादव हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, पर आज ज्योतिरादित्य हमारे भाई। आप लोगों ने रेफरेंडम एक बार करवा लिया होता कि इस ड्यूरेशन में जनता चुनाव चाहती है या नहीं, और उस रेफरेंडम में ये पता चल जाता कि जनता क्या चाह रही है, लेकिन आप लोगों ने हमने नहीं देखिए, हम फिर कह रहे हैं कि हम विपक्ष में थे, हम फिर कह रहे हैं हम विपक्ष में थे, यही लोग तो आए हैं ये अपना घर नहीं संभाल पाए बोलने का। आप बोलिए मैं आप ही को समझ रही हूं। मेरा ये कहना है कि रेफरेंडम की बात जहां तक है तो जिसके जिसको तो सरकारें गिराने का नशा हो, जिसके अंदर अहंकार हो, कर्नाटक की बात करो, गोवा में क्या किया, सारी चीजें स्पष्ट है, वो MP में लागू किया क्योंकि इनकी फितरत रही है इस तरह से सरकार में आने की। अब बात करिए, आपने देखा कि किस तरीके से हाल है, बदतर हाल है सुर्खी के अंदर। आप 15 साल सरकार में रहे और आप घोषणा कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए, सिर्फ सुर्खी की बात कर रहा हूं मैं,
इसका मतलब है कि आप मूलभूत सुविधाएं भी देखिए मैं पूरा सुनूंगा नहीं देखिए मेरा प्रवीण जी आपसे निवेदन है 1,000 करोड़ रुपए की अगर घोषणा करना पड़ रही है मतलब मूलभूत सुविधाओं के नाम पे आप जीरो थे आप शून्य थे आप मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे मेरी बात की पुष्टि आपके चैनल पे की जा रही है आपने देखा किस तरीके से ग्रामीण बता रहे कि पानी 2 रुपए में 1 मग्गा माने एक व्यक्ति को 10 मग्गा पानी चाहिए तो 20 रुपए का पानी एक व्यक्ति को चाहिए घर में 4 लोग हैं तो 2,500 रुपए का पानी पीने के लिए लेना पड़ रहा है एक चीज। दूसरी चीज जैसी नगर में आप नगर पंचायत की बात कर रहे हो आप देवरी में देखिए ये तो नगर पंचायत और विकास की आप देवरी सुर्खी में नहीं है नहीं देखिए मेरा कहना है आप में नहीं है आप सुर्खी में आप शासकीय अस्पताल खोलवाड़ा में आज पानी की कमी है जिसका आप प्रदेश का विकास खोलने की बात कर रहे हो आप स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं 15 साल आप सरकार में क्या करते रहे 6 महीने मंदिरों मस्जिद के नाम पे हिंदू मुसलमान के नाम पे रमजान कब्रिस्तान के नाम पे वोट मांगते हैं हमारे नहीं हुआ ये तो पानी की व्यवस्था है अब आप आपके पास कुछ बचा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहां से आ गया देखिए हमारे मैनिफेस्टो में आप झूठ बोलते हो आप इस प्रोग्राम को डरा डरा के रोक रहे हैं झूठ बोल बोल के राज किया ये आप घोषणा से बोल रहे हो उनका वकील ये आपका घोषणा पत्र है जो आपने सुनने के लिए जारी किया है हमारी सुनिए सुनिए प्रवीण जी मजेदार साल डराया लोगों को बोलने से झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा जो आपकी पार्टी किस बात का विकास किया हिंदू मुसलमान की करते हैं तो आरिफ मसूद आप ये बताइए वो सही है बुढ़िया तक आरिफ मसूद का जिक्र उषा ठाकुर का जो मैं चर्चा को तैयार हूँ मैं चर्चा को डाइवर्ट नहीं करना चाहती अगर आरिफ मसूद का जिक्र आएगा तो उषा ठाकुर का चर्चा को उषा ठाकुर आरिफ वकील का जिक्र आएगा तो फिर कैलाश विजयवर्गीय का भी जिक्र होगा इसलिए हम जिस विधानसभा का भी जिक्र कर लेना फिर तो चाहूंगा करिए लेकिन अभी विकास की बात करिए हम सिर्फ चुनाव विकास पे लड़िए से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करना चाहते हैं हम सिर्फ ये देवरी आपका ही है देवरी विधानसभा में आपने देवरी विधानसभा अलग है ताजपुर आपको शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया इसी के साथ सत्ता के संग्राम में आज बस मेरे साथ इतना ही मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार।